अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं मेरे इस चैनल पे बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्का ग्रेवी। तो चलिए, पनीर टिक्का ग्रेवी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और उसका क्या प्रोसीजर है वो हम देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पनीर टिक्का ग्रेवी बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि पनीर को कैसे मैरिनेट करते हैं। तो पनीर की मैरिनेशन बनाने के लिए हमें ये चाहिए। पनीर लिया है मैंने, 250 ग्राम पनीर है फ्रेंड्स। दो मैंने कैप्सिकम ले लिए, उसे ऐसे कट कर दिया है, और प्याज को भी मैंने ऐसे थोड़े बड़े में कट कर लिया है फ्रेंड्स। मैंने 2 चम्मच बेसन का आटा लिया है फ्रेंड्स। ये मेरे पास पनीर टिक्का मसाला था, तो इसमें से मैं मैरिनेशन के लिए भी यूज़ करूँगी और ग्रेवी के लिए भी यूज़ करूँगी। ये दही है फ्रेंड्स, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कपड़े में इसका पानी निथरने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स। और ये मैरिनेशन के लिए जो मसाले लगने वाले हैं, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, अमचूर मसाला और थोड़ा सा नमक ले लिया है फ्रेंड्स मैंने। और ये जो है ये ऑयल ले लिया है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा गर्म कर लिया है फ्रेंड्स मैंने। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे फ्रेंड्स और इसमें ये ऑयल पहले डाल देंगे। देखिए ये ऑयल मैंने थोड़ा सा गर्म है फ्रेंड्स, ये ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो अपना बेसन है ये पहले इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स, और इसे अच्छे से मुझे मैंने मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स इसको। देखिए आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म था इसके लिए आप लोग देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा ही बेसन लिया है फ्रेंड्स, देखिए ये हो गया। तो अब फ्रेंड्स हम इसमें ये जो दही है हमारा वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मैंने दही ऐड कर दिया है। ये जो सारे मसाले लिए थे मैंने ये ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। ये सिर्फ हम लोग पनीर टिक्का का मैरिनेशन बना रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जो पनीर टिक्का मसाला है ये मैंने थोड़ा सा अभी ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने ग्रेवी के लिए रखा है। अब इसे हम क्या कर लेंगे, अच्छे से फ्रेंड्स मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं पानी जिसमें ज़्यादा, मतलब जो दही पतला होता है ना फ्रेंड्स, वो नहीं यूज़ करना है हमें, क्योंकि फिर मैरिनेशन जो है पनीर को नहीं स्टिक होता है। और मिर्ची पाउडर की कंसिस्टेंसी, मतलब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मेरे घर में तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसके लिए मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया है। आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, एकदम थोड़ा सा ऐड करना है फ्रेंड्स, देखिए। और नमक आप लोग टेस्ट कीजिएगा जब आपका पूरा मैरिनेशन रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो सारे हमारे कैप्सिकम, प्याज और पनीर है ये इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, और इसे एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है फ्रेंड्स, एकदम आहिस्ता से। तब तक हमारा, मैंने कोयला रख दिया है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। देख सकते हैं आप, इसको जब तक गर्म होने देना है तब तक हम ये अच्छे से एकदम आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स कर लेते हैं। बी केयरफुल, ज़्यादा ऐसे फास्ट फास्ट नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने मैरिनेट इसको कर दिया है। अभी स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने एक बाउल रख दिया है फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो कोयला है फ्रेंड्स इसमें रख देंगे। इसमें थोड़ा सा हम मस्का बटर ऐड कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे फ्रेंड्स। इसको आपके पास जितना टाइम होगा, अभी मेरे पास है 1/2 आवर, तो मैं इसको 1/2 आवर के लिए रख रही हूँ। आपके पास 1-2 घंटा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप उतने देर के लिए इसको रख सकते हैं। तो चलिए, ये हमने इसको मैरिनेट करके अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पनीर टिक्का ग्रेवी का पनीर जो है वो मैरिनेट हो चुका है। अब ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, मेरा वे है बनाने का, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने 2 प्याज ले लिए है बारीक कट करके फ्रेंड्स, 3 से 4 मैंने टमाटर ले लिए, इसको रफली चॉप कर दिया है क्योंकि ये इसका पेस्ट बनने वाला है। मैंने मिर्ची पाउडर ले लिया है फ्रेंड्स, 1/2 चम्मच लिया है,
आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और ये थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ले लिया है। मिर्ची पाउडर अगर आपके घर में तीखा खाते हैं तो आप बढ़ा भी सकते हो, बट ये जो डिश है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, नॉर्मल होती है, इसके लिए मैंने इतना ही लिया है। ठीक है, ये पनीर टिक्का मसाला है जो मैंने हाफ मैरिनेशन में डाला था, हाफ मैंने अपने ग्रेवी के लिए रखा है, बट इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे हम, इसका पेस्ट करके डालेंगे। ये मैंने क्रीम ले लिया है, अमूल क्रीम है फ्रेंड्स, ये एटलीस्ट एक बड़ा जो हमारा राउंड स्पून आता है ना वो लेना है। और थोड़ा सा मैंने बटर मस्का ले लिया है जो हमें ग्रेवी के वक्त यूज़ होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मसाला है वो रेडी करके ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स तेल मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है, वो तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे हमारी, और इसे क्या करना है पता है क्या फ्रेंड्स, हमें इसे ज़्यादा फास्ट पे ब्राउन नहीं करना है, मीडियम पे उसको ब्राउन करना है ताकि वो अंदर से भी पूरी अच्छे से कुक हो जाए। नहीं तो अगर आप इसको फास्ट पे ब्राउन करोगे ना तो फिर ऊपर ऊपर से ब्राउन हो जाएगी। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम कर लिया है, अब इसे हम अच्छे से ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। और एक बात, यहाँ पे ये मसालों में हमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी लेना है, आप अगर चाहो तो अखा गरम मसाला भी ले सकते हो, बट मैं पिसा हुआ गरम मसाला ज़्यादा प्रिफर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए प्याज होने तक हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक हमारी प्याज ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे और थोड़ा सा ब्राउन करना है हमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी प्याज जो है वो अच्छी ब्राउन हो चुकी है। फ्रेंड्स अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारे टोमेटोज थे कट के हैं वो ऐड कर देंगे। ये टोमेटोज को अच्छे से हमें कुक करके लेना है फ्रेंड्स, थोड़े से जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक इसे कुक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे टोमेटोज भी गल चुके हैं, गैस का फ्लेम बंद करना है, इसे ठंडा होने देना है, फिर इसका पेस्ट बना के लेना है। हो सके उतना कम पानी यूज़ कीजिएगा तो इसका पेस्ट और इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स ग्रेवी बनाने के लिए मैंने वही कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया है, ये थोड़ा सा जो हमारा बटर था ये देखिए थोड़ा सा ही लिया है मैंने, इसमें ये ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, बटर तो हमारा पिघल चुका है, अब ये जो हमारी ग्रेवी हमने पेस्ट हमने बनाया था प्याज टमाटर का वो इसमें ऐड कर देंगे। मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है फ्रेंड्स, तो ये इससे पानी नहीं ऐड करने से क्या होता है, हमारी ग्रेवी जल्दी से, ये जो मसाला है वो जल्दी से भुने जाता है और अच्छे से भुने जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग देख सकते हैं ये तेल पूरा छूट गया है, ये जल्दी से हमारा मसाला भुने जा चुका है, 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ भुना है मैंने फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे हमारे मसाले थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, नमक और लाल मिर्ची का जो पाउडर है वो आप आपके हिसाब से लेना फ्रेंड्स। देखिए इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, मैंने अभी तक इसमें कुछ भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। 1-2 से 3 मिनट के लिए इसे हम और अच्छे से कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने पनीर टिक्का मसाला लिया था ना फ्रेंड्स, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है और वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे भी अच्छा भून के ले लेंगे। ठीक है, ये बचा हुआ मसाला भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, और जब तक हमारा ये मसाला भुने जाता है तब तक हमें क्या करना है, ये जो हमारा पनीर है ना फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये स्टिक में लगा लिया है फ्रेंड्स, ऐसे स्टिक में लगा कर हमें गैस के ऊपर इसे रोस्ट करके ले लेना है। तो चलिए इसको रोस्ट करते हैं जब तक। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको स्टिक में लगा लिया है,
गैस का फ्लेम मैंने हाई ही रखा है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको क्या करना है, इसे इससे क्या होता है, इससे स्मोकी फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। मेरे पास स्टिक थी इसके लिए मैंने ऐसे किया है। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप लोग डायरेक्ट फ्राइंग पैन में भी इसे अच्छे से फ्राई करके ले सकते हो, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। तो पहले मैं ये वाले कर लेती हूँ, फिर आपको वो वाले बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो स्टिक पे किया था फ्राई वो कुछ इस तरह से हो गया है। और दूसरा एक वे ये है कि आपको एक फ्राइंग पैन लेना है फ्रेंड्स। अगर आपके पास बटर हो तो बटर इसमें डालिएगा। मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है। और फिर इस पर क्या करना है, हमें एक एक करके ये जो सारे हमारे हमने जो मैरिनेट किया है ना फ्रेंड्स, इसको सबको ऐसे रख देना है, ठीक है। इसी तरह से हम ये हमारे पनीर टिक्का जो है सारे ऐसे बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पनीर टिक्का जो हमारे रेडी हो चुके हैं, ये हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है, ठीक है। अब इसमें हमें सिर्फ पनीर टिक्का ऐड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे पनीर टिक्का जो है वो रेडी हो चुके हैं, ये हमारी ग्रेवी भी देखिए रेडी है। अब हम मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्रीम भी ऐड कर दिया था जिसका शॉट में लेना भूल गई थी, पानी ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए, मुझे ग्रेवी के हिसाब का ये बनाना है। तो देखिए मैंने इतना पानी ऐड कर दिया है इसमें। अब इसे थोड़ा ही कुक करना है। इस स्टेज पर आप और नमक टेस्ट कर सकते हो, मैं भी कर रही हूँ। नमक एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि ये और ठीक हो जाएगा बाद में जो है ना, थोड़ा टाइम के बाद ये और ठीक हो जाएगा। देखिए इसको बबल्स आ गए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, गैस का फ्लेम लो करके ये जो मेरे पूरे पनीर टिक्का है वो इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स। देखिए अब हमें क्या करना है, इसे हल्के हाथ से इसे सब जगह से मिक्स कर देना है, ठीक है। फास्ट पे मैं इसे कुक करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो फूड कलर ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स, एकदम थोड़ा सा ऐड करने वाली हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा होटल जैसा दिखना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा पिंच मैंने फूड कलर ऐड कर, ऐसे ही वो बहुत यम दिख रहा है फ्रेंड्स। मेरे बच्चों के मुँह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज अब्दुल रहमान जो है वो शूट कर रहा है, बोल रहा है मम्मी बहुत ही यम दिख रहा है, क्योंकि वो लोग पनीर टिक्का खा चुके हैं, वो लोगों ने टेस्ट कर लिया है। तो ठीक है अभी इसे थोड़ा टाइम कुक होने देना है हमें, ठीक है। एक तो आई थिंक 4 to 5 minutes इनफ है इसके कुक के लिए। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारी कसूरी मेथी है ना, इसको अच्छे से स्मैश कर लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए एक 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक करते हैं, फिर गैस का फ्लेम जो है बंद कर देते। तो फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए ये हमारी पनीर टिक्का ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब गैस का फ्लेम बंद करती हूँ और चलिए इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी पनीर टिक्का ग्रेवी बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स पनीर टिक्का ये वाला। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा, एंड डू सपोर्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।